आइए जानते हैं एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें। बोलिए जय श्री कृष्ण। एकादशी को लकड़ी का दातुन तथा पेस्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। नींबू, जामुन अथवा आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्ते का सेवन करें। स्नान आदि करके गीता का पाठ करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। हर एकादशी को श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। एकादशी के दिन इस मंत्र के पाठ से श्री विष्णु सहस्रनाम के जप के समान पुण्य प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करना चाहिए तथा संभवतः मौन रहना चाहिए। एकादशी के दिन भूल कर भी चावल नहीं खाना चाहिए, किसी को खिलाना भी नहीं चाहिए। इस दिन फलाहार अथवा घर से निकला हुआ फल का रस अथवा दूध या जल पर रहना लाभदायक होता है। दशमी, एकादशी और द्वादशी इन तीनों दिनों में कांसे के बर्तन, मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने और शाक, शहद, तेल और अधिक जल का सेवन नहीं करना चाहिए। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। जुआ, निद्रा, पान, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, क्रोध, झूठ, कपट आदि अन्य कुकर्मों से नितांत दूर रहना चाहिए। भूलवश किसी निंदक से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाएं, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्नदान करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण ना करें। एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे जागरण करना चाहिए। जागरण रात्रि 1 बजे तक का माना जाता है। जो श्रीहरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है, उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता है। व्रत खोलने की विधि। द्वादशी को सेवा पूजा की जगह बैठकर भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हुए, यह भावना करके 7 अंजलि जल पीना चाहिए और चने के 7 दाने खाकर व्रत खोल देना चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला उत्तम फल को प्राप्त होता है। बोलिए जय श्री कृष्ण।